ये नजारा है महाराष्ट्र के बीड जिले के सरकारी अस्पताल का, जहां पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, दौड़ा दौड़ा कर युवाओं को पकड़ा और फिर दे दनादन। ये तस्वीर है उस सरकारी अस्पताल की, जहां सुबह से लोग टीका लगवाने आए थे और फिर यहां कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसके बाद का नजारा तो आप खुद ही देख लीजिए, फिर बताते हैं मामला क्या है। देखा आपने कैसे पुलिसकर्मियों और युवकों के बीच हाथापाई हुई। बता दें कि कोरोना का खौफ लोगों पर हावी है, इसलिए हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, इसलिए अस्पतालों में टीकाकरण केंद्र पर भीड़ उमड़ रही है। और ऐसे ही बीड़ के जिला अस्पताल में भी 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए अचानक भारी संख्या में लोग हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गए। मामले की जानकारी मिली तो पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए, लाठी पटकते हुए लोगों को लाइन में लगने की गुजारिश कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक बीड़ के पुलिस उपाधीक्षक संतोष वालके के साथ उलझ पड़े, दोनों के बीच बात बिगड़ी और फिर जो हुआ वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस अराजकता के बाद आधा दर्जन युवकों को हिरासत में ले लिया गया। इस हंगामे के चलते तकरीबन एक घंटे तक टीकाकरण बंद रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब वैक्सीन ही नहीं थी तो इतनी संख्या में लोगों को क्यों बुलाया गया। बता दें कि पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज की गई है, अब ऐसे में इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो क्या ही होगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीकी न्यूज के साथ। नमस्कार।